जय हिंद। सीबीएसई क्लास 10, 12 के एग्जामिनेशन को लेकर अब प्रोटेस्ट जो है वो अब खुलकर लोग सामने आने लगे। इसकी जो इन्फॉर्मेशन जो था वो मुझे कल ही मिल गया था, लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं हो पा रहा था, ऑफिशियल रूप से न्यूज चैनल के द्वारा से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बना के आपके सामने नहीं रखा। लेकिन अभी जो अप टू डेट आया है, कुछ ऐसे स्टेट जैसे हरियाणा, आपके बिहार और बंगाल, इन सभी स्टेटों में भी बच्चे अब प्रोटेस्ट के लिए उतर गए हैं। उनका एक ही डिमांड है, या तो एग्ज़ाम कैंसिल करो या ऑनलाइन लो, क्योंकि कोविड के सिचुएशन में एग्जामिनेशन लेना अब हमारे पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया। सो हमारे बच्चे, आप लोग ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के पक्ष में आप हैं या इस बच्चों के प्रोटेस्ट में आप साथ देते हैं कि नहीं। कम से कम उस जगह पर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये डिमांड था बच्चों के तरफ से। ये स्टूडेंट यूनियंस ने डिमांड किया था कि अब हम लोग सीबीएसई के जो ऑफिस है वहाँ जाके हम लोग इस बारे में धरना देंगे, कि वहाँ तो आप सब सभी लोग नहीं पहुँच सक रहे हैं। तो क्या हम इस वीडियो के माध्यम से या हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये मांग कर सकते हैं ना कि या तो शिक्षा मंत्री इस विषय में से सोचकर ऑनलाइन एग्जाम ले या एग्जामिनेशन कैंसिल दे। ये डिमांड बच्चों के द्वारा से अब चल रहा है और हम लोग भी इसके बारे में अब मुहिम चालू करते हैं। और गाइस, मैं आपको बार बार कह दे रहा हूँ कि पढ़ाई को कभी बाधित ना करें। खाली समय में जो समय बचता है उसी समय में ये हमारे प्रोटेस्ट में आप सब शामिल हो, अपना समय भी बर्बाद ना करें, क्योंकि आपका कैरियर भी है। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने आवाज़ों को बुलंद करें, क्योंकि इस कोविड सिचुएशन में आपका एग्जामिनेशन कैंसिल होना ज़रूरी है या तो फिर ऑनलाइन एग्जाम लो। दो ऑप्शन उनके पास हम लोग अपने तरफ से रख रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री जितना जल्दी इसके बारे में फैसला ले सकती है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई के द्वारा से या हमारे सोर्स से जो पता लगाते हैं हम लोग, वहां से भी अभी इस बारे में पूछ रहे हैं, वो सेंटर को लेकर बातें चल रही है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।